हेलो एवरी वन एज यू ऑल नो दिस इज नारक तिवारी सो गाइज व बैक विद एनदर वीडियो रिलेटेड योर सीरीज ऑफ एडवर्टी एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टॉपिक तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की पेज हम जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप एस डब्लू एंड दे सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेस दिस वीडियो नाउ गाइस इन दिस वीडियो वी आर गोइंट टू डिपोर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मिक्स दैट इज मीनिंग्स एंड इम्पॉर्टेंस इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मिक्स क्या होता है क्या इसका इंपॉर्टेंस है ये डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है जब आप जोड़ देते हो चीज कॉम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन के बहुत सारे कम्युनिकेशन क्या होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे को अपने इमोशंस ठीक है एक पर्सन दूसरे पर्सन को या बहुत सारे लोगों को अपने इमोशंस अपने थॉट अपने फीलिंग को क्या करता है शेयर करता है ये पहुँचाता है ताकि वो उसके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए जो भी मैसेज वगैरह जो भी है ठीक है कम्युनिकेशन मिक्स क्या है जब आप बहुत सारे टूल्स बहुत सारे तरीके बहुत सारे मैथड्स होते हैं जिससे आप कम्युनिकेट करते हो जब आप उन सारे मैथड को जोड़ देते हो तो वो होता है आपका इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मिक्स तो नाउ गाइस अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मिक्स क्या होता है सो एक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन होता है बहुत सारे प्रमोशनल एलिमेंट देखो हमने यहाँ पे पढ़ा ना कम्युनिकेशन मतलब एक कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना उसको अवेयर करना उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे आपके पास चैनल्स हो सकते हैं लाइक like, आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर सकते हो आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कर सकते हो पी पीआर के थ्रू कर सकते हो बहुत सारे वेज होंगे तो जब इन सारे वेज को एक साथ क्या कर देते हो कॉर्डिनेट कर देते हो मेन एक साथ इंटीग्रेट कर देते हो और इन सारे मैथड इन सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपने कस्टमर तक अपने ब्रांड को या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो उसे हम क्लासिफाई करेंगे या कहेंगे इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मिक्स मीन यहाँ पे एक स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी बनाते हो कि किस तरीके से हम बहुत सारे चैनल्स को बहुत सारे प्रमोशनल एलिमेंट्स को एक साथ क्या करें कम्युनिकेट मतलब कोऑर्डिनेट करें ताकि हम अपने कस्टमर तक अल्टीमेटली वो एक जो मैसेज है वो बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू क्या कर पाए प्रोवाइड करा पाए सो so, एक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन है वेरियस प्रमोशनल एलिमेंट्स एंड कम्युनिकेशन चैनल्स का टू डिलीवर अ कंसिस्टेंट एंड कंपेलिंग मैसेज टू टारगेट मतलब आप सोचो कि एक चीज के बारे में एक प्रोडक्ट है कोई ठीक है उसके बारे में आपको वही सेम मैसेज अलग अलग सोर्सेस से मिल रहा है लाइक आप कभी भी एडवर्टीजमेंट देख रहे हो वही चीज आपको बताई जा रही है वही टैगलाइन रिपीट हो रही है आप किसी इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देख रहे हो वो भी आपको उसी चीज़ों को डिलीवर कर रहा है ठीक है आप घर में हो आपके बाहर सेल्समैन आ रहे हैं तो वो वह भी वही चीज़ आपको बता रहे हैं तो आप देख रहे हो आपको हर जगह से वही consistently, एक कंसिस्टेंटली एक कंसिस्टेंट मतलब एक लगातार वही मैसेज मिला जा रहा है जो आपको क्या करेगी फिर एक तरीके से आपको ट्रिगर करेगी कि आपको यकीन हो जाएगा आपको थोड़ा सा एक आप ट्रस्ट भी आ सकता है आप फोर्स आपको कि जब बहुत सारे लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं अलग अलग सोर्स में तो ऑफकोर्स हम इस चीज़ पर क्या कर सकते हैं रिलाई कर सकते हैं और हम इस तरीके से क्या एक उनकी क्या बन जाते हैं एक कस्टमर या एक ऑडियंस बन जाते हैं सो गोल जो होता है एमएससी so, हो का वो होता है कि इंश्योर करना कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन वर्क टुगेदर कि जितने भी चैनल्स हैं वो सब एक साथ वर्क करें एक यूनिफाइड uh, की तरह अलग अलग ना रहने की वजह मतलब अलग अलग ऑपरेट करने के बजाय जब सब एक साथ ऑपरेट करेंगे साथ वर्क करेंगे वो वही कंसिस्टेंटली एक ही मैसेज जो है वो बार बार कंज्यूमर को डिलीवर करेंगे तो कंज्यूमर क्या होगा वो एक आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो आपकी एक अल्टीमेटली कस्टमर बन पाएंगे so, am, तो मीनिंग आई एम आई सी एम का देखे तो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मेंस इन्वॉल्विंग कॉम्बाइनिंग डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स एंड टेक्निक बहुत सारे जो प्रमोशनल टूल्स एंड टेक्निक है मतलब बहुत सारे टेक्निक्स या टूल्स हैं जिसके थ्रू तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट टी वी पर देखते हो वोडिंग पे देखते हो बिल बोर्ड्स पर देखते हो रोड पर जाते हो जब और न्यूज़पेपर मैगजीन में तो उसमें भी आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो फिर पब्लिक रिलेशन जैसे पी आर हो गए इन्फ्लुएंसर हो गए उनको स्पॉन्सरशिप दे दी ठीक है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में कन्वे कर रहे हैं वहाँ से भी वो ऑडियंस उसके बारे में हो रही है सेल्स प्रमोशन कर रहे हो डिस्काउंट कूपन दे रहे हो उसमें भी आप उनको डिस्काउंट के थ्रू अवेयर करा रहे हो डायरेक्ट मार्केटिंग डोर टू डोर मार्केटिंग पर्सनल सेलिंग डिजिटल मार्केटिंग ठीक है सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू आप प्रमोट कर रहे प्रोडक्ट को तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे जब टूल्स एक ही चीज़ को एक ही कंसिस्टेंसी के साथ मतलब तो कहीं भी वो जा रहा है कस्टमर किसी भी वो प्लेटफॉर्म में जा रहा है उसको वही चीज बार बार देखने को मिल रही है तो कोर्स वो जब हर जगह वही चीज़ देखेगा वही चीज़ रिसीव करेगा तो ऑफ कोर्स उसके दिमाग में कुछ तो आएगा ना कुछ तो आपका जो ऑडियंस है जो कस्टमर है अगर वो आपके प्रोडक्ट के लिए बना है तो वो लेगा उसे ठीक है दिस आइडिया सीम्स टू क्रिएट एंड यूनिफाइड ब्रांड एक्सपीरियंस फॉर कंज्यूमर तो एक ही एक यूनिफाइड ब्रांड एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको समझ में आ रहा है कि यह ब्रांड है और हर जगह इसके बारे में वही चीज़ें बताई जा रही हैं जो हर ही प्लेटफॉर्म बता रहे हैं तो ये इंश्योर करता है कि जितने भी कम्युनिकेशन एफर्ट्स हैं वो सब एक साथ करे जाए और जिससे ज्यादा ज्यादा जिस एक इम्पैक्टफुल मैसेज जो है वो कस्टमर तक मिले इंपॉर्टेंस क्या है कंसिस्टेंसी देखो कंसिस्टेंसी होती है ठीक है इट इन्श्योर कंसिस्टेंसी इन मैसेजिंग अक्रॉस ऑल द कम्युनिकेशन चल रहा है मान लो आप एफ बी पे हो आपने वही में देखा ठीक है नेक्स्ट आप किसी स्क्रॉल uh, करें इंस्टाग्राम में किसी इन्फ्लुएंसर वो भी आपको वही चीज प्रमोट कर रहे आप देखते हो बहुत सारे प्रोडक्ट आप देखते हो कि मुझे हर जगह वही चीज दिख रही है कंसिस्टेंसी के साथ मुझे हर जगह वो चीज दिख रही है। तो आप मुझे मानते हैं यार ये एक ब्रांड है जो इतना ज्यादा प्रमोशन कर रहा है इतना ज्यादा अपना प्रोडक्ट को बता रहा है सब लोग वो चीज प्रमोट कर रहे हैं इट मीनस इट हैज समथिंग ऑफ वैल्यू ठीक है मैंने कंज्यूमर सीज द सेम मैसेज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म इट रे इनफोर्स ब्रांड रिकॉल बार बार उसको ब्रांड याद आएगा और उसको लगेगा ये ब्रांड है जैसे मैंने देखा था मुझे हर जगह एक जैसे मामार्थ का हर जगह वही प्रोडक्ट चाहे मैं यूट्यूब में कोई वीडियो देख रही हूँ तो वहाँ पे वही इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं कहीं भी देख रही हूँ एड्स में वही आ रहा है सो so, जब कंसिस्टेंटली हर प्लेटफॉर्म आपको वही चीज़ पुश कर रहा होता है ना तो आप उस पर रिलाई करना शुरू करते हो कि ऐसे ही सब नहीं बोल रहे हैं कुछ तो है अभी एक रोज मैरी वाला ऑयल वाल चल रहा है अगर आपने नोटिस किया हो वो हर जगह फैला रहे हैं अब तो वो भी अब कॉर्स कस्टमर को ट्रिगर करने वाला है सो क्या है जी मीन्स द इंटीग्रेटेड डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल बाय इंटीग्रेटिंग मतलब ज़ा ज़ा अलग अलग कम्युनिकेशन टूल पर टूल को जब आप जोड़ दोगे आई एम सी कैन एम्पलीफाई द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स तो जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट है मतलब इतने जगह से जब ये मार्केटिंग हो रही है तो उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है वो कस्टमर पर जाएगा ऐसे कोई एक प्लेटफॉर्म करा तो उतना ज्यादा कस्टमर नहीं अवेयर हो पा रहा होगा उतना ज़्यादा रिलाई भी नहीं कर रहा बट जब सभी बोल रहे हैं कुछ तो कुछ तो बात होगी

एलिमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हो तो आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट सेव होती है एक ही सोर्स पे लार्ज इन्वेस्टमेंट कर देने के बजाय अलग अलग सोर्सेज पे स्ट्रेटजी वाइज इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि मान लो किसी एक सोर्स पे कि आपने किया टेलीविजन आप के थ्रू एडवर्टीजमेंट देना है उतनी ऑडियंस नहीं आ पाई क्योंकि जगह लोग टीवी नहीं देख रहे हैं ठीक है इंस्टेड ऑफ डैट अगर आपने बहुत सारे सोर्सेज पे कर दिया एक बजट के हिसाब से और वो आपको जैसे प्यार है ठीक है या शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है तो उतना ज़्यादा खर्चा अगर आपको नहीं देना पड़ रहा है बड़े से एडवर्टीजमेंट के बजाय तो आप उसी बजट के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को टारगेट कर सकते हो जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके ऑडियंस को अपना जो मैसेज है वो दे पाए तो वो एक बेटर रिजल्ट दे सकती है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच आई एम सी हेल्प इन डिलीवरिंग का यूनिफाइड ब्रांड एक्सपीरियंस टू कंज्यूमर मेक इट इजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग चीज मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म वही चीज़ बार बार बता रहे तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है कस्टमर और इंगेज होता है जैसे आपको मान लो टी टीवेर वी एडवर्टीज समझ में तो इन्फ्लुएंसर बता रहा है आपको तो आप वहाँ ऐसे अच्छे से समझ सकते हो उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इंगेज हो सकते हो तो फिर वो ब्रांड का जो मैसेज है वो जाएगा कस्टमर तक इजिली कॉम्पिटेटिव एडवांस में जो कस्टमर जो कॉम्पिटेटर आपकी ये चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे सारे मैथड्स को यूज करके नहीं अपना प्रमोट कर रहे हैं कि उसमें रिलाई कर रहे हैं तो आप उनसे ज्यादा बेटर ऑडियंस को टैप कर सकते हो और वो एक एडवांटेज आपको देखने को मिलेगी इंप्रूव रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो भाई आपने रिटर्न की इन्वेस्ट किया है ना इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग अप्रोच पे उसका आपको रिटर्न जो है वो बेटर देखने को मिलता है व्हेन ऑल द कम्युनिकेशन एफर्ट्स वर्क टूगेदर टूअर्ड अ कॉमन गोल इट कैन लीड टू अ बेटर रिजल्ट मतलब हो सकता है भाई एक ही चीज़ पे टीवी के एड्स पे ही आपने पैसा लगा दिया वहाँ से आपको बेटर रिजल्ट नहीं उतर कस्टमर नहीं बन रहे बट आप इतने सारे चीजों में लगा रहे हो मतलब स्ट्रैटेजी वाइज और जिससे ज्यादा रिजल्ट उसमें और इन्वेस्ट कर रहे हो आपको लग रहा है पी से ज्यादा आ रहा है तो फिर उसमें और लाइक आ इन्फ्लुएंसर को भर भर के जैसे मीशो में देख रहे हो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंसर को प्रमोट कर रहे हैं ठीक है तो वो क्या है एक तरीके से अब उसका तो चलो पेड नहीं है बट देन टू अगर होता तो आप खुद तो सोचो कितने ज्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है वहाँ से आपका ज्यादा कस्टमर बेस बन रहा है तो आप उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हो स्ट्रेटेजिकली सोच सकते हो कि कहाँ से क्या करना है ठीक है किस पे कितना इन्वेस्ट करना है उस हिसाब से बजट को डिजाइन करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो रिटर्न जो है वो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा ठीक है सो आइस जो आपका इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मार्केटिंग या इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मिक्स जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाओ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ और रिटर्न जो है वो जनरेट कर पाओ ठीक है सो हमने डिस्कस किया ये स्मॉल टॉपिक था आई होप आप समझ पाए इस पर तो कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे थैंक यू